हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट रिव्यू, जो है मैक प्रोडक्ट रिव्यू, मैक के प्राइमर का प्रोडक्ट रिव्यू। तो गाइज, मैक प्राइमर बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए कि किस टाइप के स्किन के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसा है ये, इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स एंड ऑल। तो गाइज, ये एक अनदर रिक्वेस्टेड वीडियो है। जी हाँ फ्रेंड्स, अनदर रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्ट आई थी नसरीन खान से। तो मैं यहाँ पे एक दे दूंगी स्क्रीन शॉट, जिससे आपको पता चल जाए कि ये रिक्वेस्ट किसने की थी ये रिक्वेस्ट, और जो है मैं रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल कर रही हूँ। तो गाइज, मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्टेड वीडियो पेंडिंग में है, तो गाइज डोंट वरी, मैं आपके सारे रिक्वेस्टेड वीडियोस को फुलफिल करूंगी, सारे रिक्वेस्टेड वीडियो, सारे रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको भी बहुत ही अच्छी नॉलेज मिले और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये एक प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, या फिर बहुत सारे हेयर से लेके है, स्किन केयर से लेके है, मेरे मेकअप से लेके बहुत सारे ऐसे पेंडिंग वीडियोस है जो मुझे कवर करने हैं। तो गाइस, आज का ये वीडियो है फुल्ली मेरा मैक के प्राइमर के ऊपर है। तो मैंने इसमें शेयर किया है कि आप किस तरीके का प्राइमर, आप किस तरीके की स्किन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप के स्किन टोन के लिए बेस्ट है, और कैसे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, कैसे कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, एवरीथिंग मैंने इसमें शेयर किया हुआ है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया आपने। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या मैंने उसमें आपको बताया है। तो गाइज, ये है मैक का प्रेप प्लस प्राइम, और ये प्राइमर है गाइज मैक का, और इसमें ये है स्किन बेस विसेज 35 ml ऑब्लिक 1.0 USFL OZE, और ये ऊपर एक पंप दिया रहता है बहुत ही प्यारा सा, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पंप है इसमें, और इसकी जो ऊपर की एक कैप थी वो मेरे से मिस हो गई है, और इसके जो ऊपर का कार्डबोर्ड का एक वो रहता है बॉक्स रहता है हर एक प्रोडक्ट में, वो भी मेरे से मिस हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ गाइस, काफ़ी मंथ्स इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप मेरे मेकअप वीडियोज़ फॉलो करते हैं तो इस तरीके से है ये। और इसमें जो है जो जो इन्ग्रीडियंट्स इसमें ओनली दिया हुआ है, एड अ लॉट ऑफ प्लांट एसेंस, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हैं, एंड इसमें डायरेक्शंस दिया हुआ है कैसे इसको यूज़ करना है। तो अप्लाई ऑन क्लींस्ड फेस, नेक पे अप्लाई करना है आपको सोने के पहले, या फिर आप मेकअप के पहले अप्लाई कर सकते हैं इसको, और मेड इन कनाडा है, कनाडा बना हुआ है, फैब्रिक AU कनाडा, एंड इस तरीके से दिया हुआ है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं ये डिस्क्लोज़ करते हैं जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो। और इस तरीके से छोटी सी पंप वाली प्राइमर है, बहुत ही प्यारा, आपको बहुत ही अच्छा मेकअप का एक बेस देता है आप जब इसको अप्लाई करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोज़ फॉलो कर रहे हैं मेकअप के, तो आपने देखा होगा मैं अपने बहुत सारे मेकअप वीडियोज़ में मैक का प्राइमर अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर, तो इस तरीके से है। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसा है, आप देख सकते हैं एक पंप में कितना सारा निकल आया है। अब इसको अप्लाई करते हो, देखिए कितना वाटरी है, कितना ज़्यादा अच्छा है, और स्किन में बहुत ही प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, और जैसा कि मेरी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि गाइस जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनको स्किन में ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी स्किन का मॉइस्चर जो है निकल जाता है बहुत जल्दी से, और अगर विंटर टाइम है उस टाइम तो और भी जल्दी निकल जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है बहुत ही प्रॉपर तरीके से, और पता भी नहीं लग रहा है कि इसमें हमने अप्लाई किया हुआ है मेकअप बेस प्राइमर, तो बहुत ही जल्दी से ब्लेंड हो जाता है और जो है अब्जॉर्ब कर लेता है अपने स्किन में, तो इस तरीके से है। तो अभी मेरा हाथ थोड़ा सा शाइनी लग रहा है, थोड़ा चंकी लग रहा है, क्योंकि मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है तो इसलिए, और इस तरीके की छोटी सी पैकेजिंग में है, छोटी बॉटल है, बट गाइस बहुत दिन तक चलेगा ये, मैं इसको खुद ही 2 से 3 मंथ्स हो गए मुझे इसको यूज़ करते करते, तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी क्वांटिटी में मैंने लिया था, 1 पंप में ही कितने अच्छे से जो है ये आ गया था क्वांटिटी में। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पूरे फेस पे, ब्लेंड हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, और जो जिन लोग की स्किन थोड़ा ड्राई है या एक्सट्रीम ड्राई है उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि गाइस मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है, तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, अगर जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, नॉर्मल है, या फिर ऑयली के लिए भी अच्छा है, बट डिपेंड करता है उनकी स्किन पर, किसी किसी को टी जोन पर ऑयलिंग होती है, किसी किसी को पूरे फेस पर ऑयलिंग की प्रॉब्लम होती है, ऑयली स्किन होती है मतलब, तो जैसा आपकी स्किन टोन है, आपकी जैसे स्किन में है उस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपकी ड्राई स्किन है
तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, गो फॉर इट। बहुत ही अच्छा ये प्राइमर है गाइस, और आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हाथ पे मैंने अप्लाई किया तो लग भी नहीं रहा है कि मैंने प्राइमर अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस एक मेकअप लुक देगा जब आप मेकअप करेंगे। तो गाइस इसको मेकअप करने के पहले जरूर अप्लाई कीजिए। हाँ, रात के टाइम पे आप नाइट क्रीम अप्लाई कीजिए। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि नाइट टाइम पे भी आप मैक का प्राइमर लगाइए, नो वे। आप जो है रात के टाइम पे आप बादाम रोगन ऑयल लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, जो आपको सूट करता है वो अप्लाई कीजिए। बट यस, बिफोर मेकअप आप इसको अप्लाई कीजिए। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको नसरीन खान आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। और जो भी अगर मैक के प्रोडक्ट को देख रहे हैं, मैक के प्राइमर को देख रहे हैं, तो उनको जो है एक आइडिया लग गया होगा कि उनको कैसे उनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये अच्छा है कि नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और वीडियो से, एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।